गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में सबसे पहली चीज़ है कि इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हम क्या रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे बाहर सर्दी है, गर्मी है, मौसम बदल गया है, तो ऑर्गेनिज्म किस हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन डिसाइड करेंगे। तो द स्टिमुलाई दैट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेस लाइक हीट, कोल्ड, टेम्परेचर, साउंड, टेस्ट, टच, प्रेशर एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी के हिसाब से प्लांट और एनिमल क्या रिस्पॉन्स देते हैं। टेम्परेचर हाई होगा तो क्या रिस्पॉन्स होगा। तो दीज रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड स्टिमुलाई। और इन स्टिमुलाई को कैच करने के लिए प्लांट और एनिमल में सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। यदि हम एनिमल की बात करें, ह्यूमन बींग्स की, तो इनको हम इंद्रियां कहते हैं, सेंस ऑर्गन। जैसे 5 जो हैं हमारे कर्म इंद्रिय हैं और 5 जो हैं हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं। इस तरह से हम देखेंगे, ज्ञान इंद्रिय मतलब जो हमें सेंस को महसूस कराते हैं। जैसे हम आँख के द्वारा क्या करते हैं, देखते हैं, तो ये एक सेंस ऑर्गन है। कान, इनके द्वारा हम सुनते हैं। नाक, हम सूंघते क्या है। जीभ, अलग अलग टेस्ट बर्ड हैं, ये बताती हैं कि डिफरेंट टाइप के टेस्ट हमें किस तरह महसूस होते हैं। स्किन, इसके द्वारा हमें टच फील होता है। हॉट, कोल्ड, स्कैरी, ये सब चीज़ हमको किससे पता चलता है, स्किन के द्वारा। तो आँख, नाक, कान, मुंह यानी जीभ और त्वचा यानी स्किन, दीज आर कॉल्ड 5 सेंसेस। प्लांट में हम देखेंगे, रूट्स ग्रेविटी के पॉजिटिव मूवमेंट्स वो करते हैं और स्टेम जो हैं वो लाइट के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं। सेकंड चीज़ है कोऑर्डिनेशन। फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑल टुगेदर फंक्शन फॉर पर्टिकुलर वर्क। जब सब शरीर के अंग मिलकर एक काम करते हैं मिलजुल कर, तो उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एनिमल में ये कोऑर्डिनेशन का काम हमारा ब्रेन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा निकलने वाले हार्मोन करते हैं। प्लांट्स में ये काम किसके द्वारा होता है, प्लांट हार्मोन के द्वारा होता है ये काम। और जिन्हें हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। तो हम एनिमल के कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो कौन कौन चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले न्यूरॉन। ब्रेन से निकलने वाले न्यूरॉन को क्रैनियल नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रैनियल नर्व। ये नर्व का स्ट्रक्चर है। और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा निकलने वाले जो न्यूरॉन हैं, दीज आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व। तो क्रैनियल नर्व 12 पेयर हैं, 12 साइड हैं, 12 साइड। स्पाइनल जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले, यानी हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर, रीढ़ की हड्डी खोखली होती है, उसके अंदर जो स्पाइनल न्यूरॉन हैं वो भी पूरे शरीर में फैले रहते हैं। 33 पेयर, कितने हैं, 33 पेयर, 33 साइड, 33 साइड। ये सब मिलके हमारे बॉडी का कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं वो ध्यान दीजिए, अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स हैं। सबसे पहले हमारे आँखों में जो रिसेप्टर है, तो आँख दैट मीन्स ये फोटो से रिलेटेड है, इसलिए इन रिसेप्टर्स का नाम है फोटो रिसेप्टर्स। आँखें डिफरेंट टाइप के कलर देखती हैं, विवियोर में हमको मालूम है वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, और फिर इनके डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं। तो ये सेट्स कहाँ पर हैं, आँखों में। ये दीन दुनिया में नहीं है, हमारी आँखों में ये सेट्स हैं, फोटो रिसेप्टर्स इनको कैच करते हैं। जो ब्लैक और वाइट कलर हैं, ये हमारे रॉड्स के द्वारा हमें डिटेक्ट होते हैं।
यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो किसके द्वारा है, रॉड के द्वारा। तो ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया और दूसरे जीव जंतुओं में भी है जो रात के समय निशाचर रहते, जैसे उल्लू है, उल्लू की आँख में केवल रॉड रहेंगे, उसको कलर से कोई मतलब नहीं, तो रात में देखता है दिन में सोता है। और जो कलर हमको शो करते हैं उन सेल का नाम क्या है, कौन, दे आर कॉल्ड फोटो रिसेप्टर्स। तो फोटो रिसेप्टर कहाँ है, हमारी आँख में। फोनो रिसेप्टर, दे आर कॉल्ड ऑडिटरी रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो फोनो रिसेप्टर्स कहाँ है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स हमारे कान में। थर्ड रिसेप्टर्स हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, हमारी नाक, ऑल्फैक्टरी, नाक में अलग अलग प्रकार की स्मेल हमको महसूस होती है, अच्छी है बुरी है, जिसको हम सुनकर आँख बंद हो तो भी हम बता सकते हैं ये किस चीज़ की स्मेल है। तो ये स्मेल कौन डिटेक्ट करता है, तो द रिसेप्टर ऑफ नोज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। इसके बाद हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स और टैंगो रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमारी जीभ में रहते हैं, जीभ के सबसे आगे मीठा स्वाद आता है, साइड में तीखा स्वाद रहता है, सबसे आखिरी में कड़वा स्वाद रहता है। तो अलग अलग टाइप के जो टेस्ट बर्ड हैं, ये टेस्ट बर्ड हमें स्वाद बताते हैं। तो सूंघकर, सुनकर, देखकर, स्वाद लेकर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये वस्तु क्या है। तो इनको हम क्या कहते हैं, गस्टेटो रिसेप्टर। अगला है हमारा टैंगो रिसेप्टर्स। टैंगो रिसेप्टर्स हमारी स्किन में रहते हैं, जैसे दबाव फील किया, या आँख बंद भी है और आपके हाथ में 5 का सिक्का रखा हुआ है, आप छूकर बता सकते हैं कि ये 5 का सिक्का है। तो टैंगो रिसेप्टर्स प्लस कोई नुकीली चीज़ यदि लगती है तो प्रेशर फील करने वाली, टेम्परेचर फील करने वाली, हॉट है, कोल्ड है, ये सब क्या कहलाते हैं, स्किन में जो मौजूद रहते हैं रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं, टैंगो रिसेप्टर्स कहते हैं। इफेक्ट, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, आँखों ने जो देखा, कानों ने जो सुना, नाक ने जो सूंघा, जीभ ने जो स्वाद लिया और स्किन ने जिसे टच किया, ये सब निर्णय नहीं ले सकते खुद, ये तो मैसेंजर्स हैं, ये न्यूरॉन के द्वारा, ये जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दिख रही है इसके द्वारा ब्रेन के पास अपना मैसेज भेजते हैं। तो ब्रेन डिसाइड करता है कि भाई हमें क्या निर्णय लेना है, और ब्रेन भी जब डिसाइड करेगा किस आधार पर, कि पूर्व के लिए गए निर्णयों के आधार पर ही हम नया निर्णय ले सकते हैं। तो पहले जब ये सामने आया था तो हमने क्या कहा था, शत्रु है, मित्र है, ये सब हमारी ब्रेन में, मेमोरी में ये कैद हो जाते हैं कि हमको नमस्ते करना है, या आँखें तेज घूम के देखना है, या घुर्राना है, या झुकना है, ये सब बातें ब्रेन डिसाइड करेगा कि भाई आपके पुराने अनुभव क्या हैं इनके आधार पर। तो ये 2 प्रकार की नर्व हैं, एक रहेंगी जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन से आपके ब्रेन तक ले जाने वाली, इनको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। और दूसरी जब ब्रेन तक मैसेज पहुंच गया तो अब ब्रेन ऑर्डर देगा अलग अलग बॉडी पार्ट्स को। तो ब्रेन के द्वारा ऑर्डर लेकर जाने वाले न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो 2 न्यूरॉन हो गए, सेंसरी न्यूरॉन यानी हमारी सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, दूसरे ब्रेन से ऑर्डर लेके हमारे शरीर के अंगों को पहुंचाते हैं, तो ये मोटर न्यूरॉन। तीसरे न्यूरॉन रहते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन। मिक्स्ड न्यूरॉन क्या करते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, दोनों काम उनको ही करना पड़ते हैं, क्योंकि इनके लिए ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है। इमरजेंसी कंडीशन में जब हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे तो इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, हमें स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही मैसेज प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उस समय इतना वक्त नहीं रहता, यदि हमारा पैर या हाथ किसी गर्म वस्तु पर रखा गया तो इतना वक्त नहीं है कि ब्रेन अभी सोचेगा कि कितने
समय बाद निर्णय लेना है, क्या निर्णय लेना है, उस गर्म वस्तु पे हाथ रखा रहने दें, हटा लें, क्या करें। तो इसके लिए तुरंत के तुरंत क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज जाता है और वहीं से हाथ हटाने के लिए ऑर्डर भी पहुंच जाता है। इस तरह की व्यवस्था को हम मिक्स्ड न्यूरॉन वाली व्यवस्था कहते हैं और दिस हैपन बाय द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू स्पाइनल न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन। अब हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, जिसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये हम चर्चा कल करेंगे। थैंक यू।